بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى سورة بارا سورة طه آیت شریفہ 16 اور اس کے بعد الفاظ شریفہ کے معنی فضا شیخ صاحب سیدھے بیٹھو فضا پس نہ یسدنک آپ کو بالکل نہ روکے انہا اس سے من لا یؤمن بہا وہ شخص جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتا واتبع ہوا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا فتردا تو آپ ہلاک ہو جائیں با محاورہ ترجمہ اور آپ کو سو آپ کو بالکل نہ روکے اس سے وہ شخص جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے سو آپ ہلاک ہو جائیں. رب العالمین کی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہیں جب تاج نبوت اور تاج رسالت پہنایا گیا اس وقت کی جو اولی گفتگو ہے رب العالمین کا امت اسلام پر احسان ہے کہ اپنی اس انتہائی بیش قیمت گفتگو کو امت اسلام کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دی اور اسی گفتگو میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے اور اس آیت کریمہ میں میرے آپ کے لیے میری آپ کی نسلوں کے لیے کیا کچھ ہے رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں. بیٹا پہلی صف میں ہو جاؤ پہلی صف میں ہو جاؤ. اللہ کرے ٹھیک ٹھیک بات میں خود اللہ کی توفیق سے سمجھ پاؤں اور آپ تک پہنچا پاؤ. بہت سی باتوں میں سے ایک بات کوئی شخصیت لا الہ الا اللہ میرے ساتھ براہ کرم اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ آپ سے لینا ہے اپنے اور اپنی اولادوں کے فائدے کے لیے براہ کرم عوان صاحب پوری توجہ سے سماعت فرمائیے اور میں بھی اس بات کو اپنے دل میں اتاروں. خرم جی کوئی شخص نصیحت سے بے نیاز نہیں. بکار صاحب بات واضح ہو رہی ہے. احمد جی بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں. فیشن ہے خصوصاً نوجوان کھاتے پیتے گھروں کے وہ پشت پہ آدمی رکھنے دیتے کپڑے نہ میلے ہو جائیں ناک پہ مچھر نہیں بیٹھنے دیتے. نصیحت نا کا نصیحت نے نصیحت کا نون اس کی وہ خوشبو نہیں ہوتے بو سمجھ جائیں بو بھی سونگے تو موڈ آف ہو جاتا
और मामा अंदर से बाबा को इशारा करके छोड़ो, जवान हो चुका। वो इशारे देके बाबा को पंक्चर कर देते, जनाजा ही निकल जाए। किस चीज का? दीन का, हया का, गैरत का। और घरों में बेहयाई, बेगैरती, फहाशी का वो तूफान आ रहा है, आ रहा नहीं बल्कि दरवाजा ही बंद। ला इलाहा इल्लल्लाह। बीमार को बीमार कहना, इलाज करना, नो 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 नो, ये तो बहुत दूर की बात है। बीमार को सिर्फ ये निशानदेही करना, ओ गोया के दीवारें लड़ जाने दी। ये घर में जो मां बाप ने खून पसीने से अल्लाह की रहमत से पाला है, ये सांप नहीं अजदहा बनते। उसके बस में हो तो मामा और बाबा दोनों को खा ले। इनको को पता ही नहीं एटिकेट्स का, कि प्रोटोकॉल भी होते हैं, को पर्सनैलिटी भी होती है। बाबा आए हर वक्त, ये कहानी है कि नहीं मलिक रान साहब? नहीं जी। किसको नसीहत हो रही है? किसको नसीहत हो रही है? सारी उम्मत जमा हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम उसका कोई हिस्सा नहीं बन सकता। मूसा अलैहिस्सलाम पांच सबसे बड़े रसूल और नबी उन पांच में से एक है। और मौका कौन सा है? ताजपोशी बड़ी चीज समझते हैं, ये ताजपोशी है, करोड़ ताजपोशी इस ताज के पहनाए जाने पे कुर्बान हो जाए। ताज नबूवत, ताज रिसालत पहनाया जा रहा है। और कलीमुल्लाह का लकब इस गुफ्तगू के हवाले से मूसा अलैहिस्सलाम पाने वाले हैं। और मुझे नहीं पता मखलूक में, इंसानों में किसका लकब कलीमुल्लाह, मेरे जन्म में। और बात क्या हो रही है? नसीहत। और क्या नसीहत है? नसीहत भी बड़ी अजीब है। निगाहें जमाई आयत करीमा पर, सो आपको बिल्कुल न रोके कौन? मल्ला युमिनु बिहा, वो शख्स जो कयामत के साथ ईमान नहीं लाता। अब कोई इस गंदी नस्ल से कह के देखे, और सारे नहीं माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो बुजुर्गों से ज्यादा अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो अल्लाह की फजल करम से दुनिया बाकी है। वगरना अगर सारे गंदे हो जाएं फिर कहानी तमाम हो जाए। अब कोई कह के देखे, मुझे समझा क्या है? जो बकवास होता है शायद आप मुझसे ज्यादा वाकिफ। मैं डाकू हूं, मैं और पहले कहा करते थे आपने मुझे लड़की से, आप कौन कहता है? तुम और तू, और उससे आगे तक बात पहुंची, मुझे लड़की समझा है। अब चाबी लड़की के हाथ में है, राब्ते के जराए मौजूद हैं। अब किसकी जरूरत है चाबी वाली को और पूरे राब्ते वालों को रोक के दिखाए? और जो तालीम और चैनल्स हैं वो जलती पे पेट्रोल फेंकते, अब कौन रोकेगा और कौन ऐसी बात करेगा? वह तबाह हवा, कौन ना आपको रोके? नंबर एक जिसमें ये बद खसलती है कि वो कयामत पर ईमान नहीं रख,
اور دوسری اس میں بری بات کیا ہے؟ اپنی خواہش کا پرستار ہے. یہ دوسری بات کتنے نوجوانوں میں ہے؟ جی محمد علی جی کسی میں نہیں, کسی میں نہیں. کوئی اس کی خواہش کے خلاف بات کر کے دیکھے, نہ ماما نہ بابا نہ ڈیڈ نہ ڈیڈو نہ نانو نہ دادو. ساری کہانی اس وقت ہے جب یس سر لبیک, جی بیٹا جی, وگرنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار. وہ تبا ہوا, یہ بروں کی ایک بہت ہی بری اور نمایاں خصلت جو میرے دل میں آیا, بس سارے ضابطے سارے قواعد سب کچھ اس کے مقابلے میں ہیٹ ہے. اور پہلی بری خصلت قیامت پر ایمان نہیں, اور یہ برائیوں کی جڑ ہے. قیامت پر ایمان ہمارے گھروں میں مضبوط ہے یا کمزور؟ یہاں تک میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا اور نہ نشاندہی کر رہا, نیک باپ رونا روتے ہیں, اس کے آگے میرا دل نہیں چاہتا میں کچھ بیان کروں. قیامت پر ایمان والی کہانی بھی, نہ درخت کو کھاد ملے, کھیتی کو نہ کھاد ملے, نہ پانی ملے, نہ بیج ملے, تو کریلے کدو اور ٹنڈے کہاں سے آ جائیں گے؟ چیما صاحب تو اڑے کھیت چاہتے رہے, نہ بیج نہ پانی نہ کھاد, تباہی بربادی. اس کے برعکس وہ سب دیا جا رہا ہے لیکن پیداوار والی چیزیں نہیں ہیں, تو ایمان کدھر سے آئے گا؟ باہر کے ملکوں کے بارے میں اب میں تفصیل سے نہیں, بس اشارہ کر کے گزرتا ہوں. بڑے بڑے سمجھدار لوگ جب وہ رونا روتے ہیں دل کی گہرائی سے, تو بیان کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کہہ رہی ہے اور گرینڈ فادر واز اے مسلم, ہمارا دادا, میں قسم میں نے خود مسجد نبوی میں یہ رونا ایک بہت ہی زیادہ اور بڑی پوزیشن والے شخص سے اپنی کانوں سے سنے. وہ اس معاشرے کا, اور یہ بات اب اس معاشرے کی نہیں, اگر دو اور دو امریکہ میں چار ہیں تو پاکستان میں پونے چار ہو جائیں گے. شیخ صاحب کوئی ہے ہی صاحب آپ کے پاس ایسے, یا ساڑھے تین ہو جائیں گے, وہ چار ہی ہو گئے, اور چار ہو رہے ہیں, ہوں گے نہیں, ہو رہے ہیں. آگ پہ جمع ہوا گھی رکھے ہیں. اگر وہ صورت یورپ میں ہے تو وہاں تو پگھلے, اور پاکستان شریف میں نہ پگھلے. پتا نہیں کوئی نئی سائنس ہو تو ان کو پتا. دونوں خصلتیں فراوانی ہیں ان کی, اللہ ان کو مٹا دے. قیامت پر یقین کا نہ ہونا اور خواہش کی پیروی, اور اس سے بچنے کا مشورہ کس کو ہے؟ وہ بھی اب کیا کریں, سانپ تو ہمارے دائیں اور بائیں, سانپوں کو جو کچھ ہمارے پاس ہے دے دے کے پال رہے ہیں, اور اگر پالتے اس لیے کہ ان کا زہر نکالنا ہے تو مبارک تھا, نہیں اس لیے پال رہے ہیں, تم پلو سانپ بنو اور ہمارے ہم تمہارے پیچھے کلیپنگ کے لیے موجود.
और अगर कोई कोताही हुई तो मामा है तुम्हारी, तुम्हारी खिंचाई करने वाली मिलके सारे चैप करें, ज्यादा से ज्यादा जहर को जमा करो। हो रहा है कि नहीं हो? होश करूं मैं और आप सब, हम खैर की तरफ नहीं जा रहे। फतर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सियासियात में, पॉलिटिकल साइंस में और पढ़ाई लिखाई में पढ़ाते हैं, कानून की नजर में सब यक्स। क्या कहते हैं इसको, रूल ऑफ लॉ, नाम नाम देखा है वजूद तो उसका, ज्यादा लोग हैं पढ़े अदालतों, पता नहीं है, अल्लाह के यहां रूल ऑफ लॉ है। कौन? जिनको अल्लाह खुद ताजे नबूवत अता फरमा, उनसे भी कहा अगर तुम इन कयामत पर ईमान न लाने वालों की वजह से और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों की वजह से कयामत पर ईमान से रुक गए तो बच जाओगे। अल्फाज शरीफा को सब पढ़ें, जोर से पढ़ें, ये है कानून की नजर में सब यकसा, फिर बचेंगे नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के ये बतलाया कि उनमें से जो गलत कारी करे उसके लिए अजाब कितना है, ये है कानून की नजर में मुसावात जो इस्लाम और रब्बुल आलमीन के यहां। एक और बात, अल्लाह करे कोई बात बनावटी ना हो, हकीकत में इस आयत करीमा से हासिल होती हो, बुरी सोहबत का खदशा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो ऐसे लोगों से होशियार रहने का खतरा, ये लोग चांद में रहते थे या सूरज में, किस जमीन में, इंडिया में या चाइना में, जहां वो थे वहां। अब माशाल्लाह मुसलमानी पे कुर्बान हो जाएं, अब चुन चुन के अपने जिगर के टुकड़ों को किस माहौल में भेजने की तमन्ना रखते जी, बच्चियों के रिश्तों के लिए जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है उसमें कितना नंबर है उसका, कि उसमें उसके पास ग्रीन कार्ड, रुकार साहब ग्रीन कार्ड से ऊपर क्या होता है, नेशनलिटी, नेशनैलिटी के नंबर शेख साहब ज्यादा हैं कराची में या ग्रीन कार्ड के, या इसको देखते नहीं, उस तो बतलाएं कराची की खबर, नेशनैलिटी कहां की, जन्नत की या जन्नत ले जाने वाली बस्ती की। होश करें कुछ, होश करें, बच्चों के मुस्तकबिल के नाम पर क्या क्या तबाहियां मचा रहे हैं। जब बीमारी का नाम सेहत हो जाए, कैंसर का नाम कुव्वत हो जाए, तो फिर नमाज जनाजा से पहले नमाज जनाजा पढ़े, पेश की पढ़े। हमारी हालत ये हो रही है और हो चुकी है, अल्लाह हमें वापस खैर की तरफ ले आए। वमा तिल्क बियमीनिका या मूसा, अल्फाज शरीफा के मानी, और आपके हाथ में ए मूसा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या क्या नसीब है मूसा का, आलेश कौन पूछ रहा है। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं। मेरे आपके पोते ने, अगर उसका मूड ठीक हो,
हमारे लिए तो ये भी बड़ा मसला है कार साहब जी, अगर उसका मूड ठीक हो तो उसके हाथ में और नर्सरी में या उससे पहले क्या कुछ है, ऊट कबार इसी जमात में हो, पेंसिल हो, पूछे बेटा क्या है तो खुश होता है कि नहीं, अगर मूड ठीक हो तो समझता है मेरी इज्जत अफजाई है कि नहीं, कि मेरी चीज के बारे में दादा ने नाना ने पूछा, यहां कौन पूछ रहा है, और अल्लाह को पता नहीं। अल्लाह तो मूसा के जो सीने में बात आएगी उसको भी जानते, इसमें इज्जत अफजाई है अर्श वाले रब की तरफ से किसकी, मूसा वैसे। और इस पूछने में क्या क्या हिकमतें हैं, उनमें से एक यही कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी इज्जत अफजाई हो जाए। एक और हिकमत अल्लाह बेहतर जाने, अभी उस छड़ी ने क्या बनना है, अब तो हमें पता आ चुका क्या बनना है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अलल ऐलान एतराफ किया होगा कि ये छड़ी है, तो अब उनको रब्बुल आलमीन की कुदरत का नजारा देखने का ज्यादा लुत्फ आएगा कि नहीं, दिल का यकीन बढ़ेगा कि नहीं। अभी अल्लाह जाने कितने मिनट नहीं कितने सेकंड पहले उन्होंने अगर ऐलान क्या कहा है, बोलो, छड़ी नहीं मेरी छड़ी है, अल्फाज रब ने निकलवाए। अभी जब अज़्ज़हा बना तो भागे, सोचने समझने में आसानी होगी कि नहीं, अभी तो मैं बोला तो छड़ी है और मेरी छड़ी है। अल्लाह पाक ने उनको रब की कुदरत का यकीन करने में मदद करने के उनके मुंह से ये जवाब निकलवाया। और शायद एक बात यह हो कि दोनों हिकमतें, मूसा अलैहिस्सलाम का एजाज भी है और उनके यकीन में साबित करने और इजाफा के लिए रब्बुल आलमीन की तरफ से तआवुन भी है। इंशाअल्लाह रहमान इसी मुकाम से आइंदा गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही वअला आलिही व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।